Welcome, my dear student. Today, I am going to teach you data entry chapter number three, basic of word processing. This is our third part. So, let's begin. So, we already learned introductions, main feature of word processing, feature of Word 2007, starting MS Word program. Word screen layout, menu, shortcut menu, toolbars, ruler, typing screen object, vertical and horizontal score bar. managing documents so here we start this section of the lesson explain how to open a new existing document save a document print a document working with multiple document protect protecting a document finding a document and closing a open document there are several way to create new documents Open existing document and save document in Word. Click on the office button to use one the following. So office button. So click here to open, save or print and uh, to see everything else you can do with your document. Okay, student. Create a न्यू डॉक्यूमेंट सो स्टूडेंट यहाँ स्टेप्स दिए हैं, वो स्टेप्स फॉलो करके आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं सो फर्स्ट टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट फॉलो वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट यू हैव टू क्लिक द न्यू डॉक्यूमेंट बटन ऑन द मेन्यू बार देन सेकेंड प्रेस कंट्रोल एंड की ऑन द की ये दोनों यूज कर सकते हैं न्यू डॉक्यूमेंट पे भी क्लिक करके मेन्यू बार में हम क्लिक कर सकते हैं और कंट्रोल एंड करके भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं ओपन एंड एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द ऑफिस 2007 बटन एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन टू ओपन एंड एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट फॉलो वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड सो स्टूडेंट यू कैन सी ये बटन सी दीज द ऑप्शन क्लिक ऑन द ओपन फाइल बटन ऑन द मेन्यू बार सो ये ओपन फाइल बटन है प्रेस कंट्रोल ओ की ऑन द की बोर्ड सो शॉर्टकट की है ये ईच ऑफ द अबाव मैथड विल बी शो द ओपन डायलॉग बॉक्स चूज द फाइल एंड क्लिक द ओपन बटन ओके okay, स्टूडेंट तो ये दोनों आप यूज कर सकते हो इस तरह से कर सकते हैं देन नेक्स्ट है सेव अ न्यूस एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट टू सेव अ न्यू एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट दैट इज ओपन फॉलो वन ऑफ द फॉलोविंग मैथड सो क्लिक द सेव बटन ऑन द मेन्यू बार So, जब आप सेव uh, बटन को देखते हैं तो यहाँ पे जो सिंबल दिया है इस तरह का सेव बटन होता है यहां पर भी देख सकते हैं सेव एज है एंड सेव है, uh, है और सेव एज इस दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी अ uh, ये या हम प्रेस कंट्रोल एस की ऑन द कीबोर्ड तो कंट्रोल एस भी हम uh, कीबोर्ड में प्रेस करते हैं तो सेव हो जाते हैं इफ द डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी नेम एंड सेव अर्लियर इट विल बी सिंपली सेव द डॉक्यूमेंट ऑन द अदर हैंड इफ द फाइल इज अ न्यू डॉक्यूमेंट देन इट विल बी प्रमोट टू प्रमोट टू यू बाय ओपनिंग सेव एज डायलॉग्स बॉक्स सेलेक्ट द फोल्डर वेयर यू वॉन्ट टू प्लेस योर डॉक्यूमेंट इन सेव सेव इन बॉक्स टाइप ऑफ द नेम Name of the document in file name box and then click OK. You can also save a new document by choosing Ctrl A on the keyboard and then selecting the above uh, action in Save As dialog box. So, student, here Save As or Save. में क्या डिफरेंस है सो so, ऑलरेडी आपने सेव एज करके रखा है तो सेव एज आपको ओनली वन टाइम करना है जिसमें आपको अपने फाइल या फोल्डर का नाम देना है उसमें जो भी आप नाम देते हो एक ही बार करते हैं लेकिन सेव जो है आपको बार बार करना है अदरवाइज अगर इनकेस पी तो पीसी में या कंप्यूटर में कोई भी मिस्टेक होता है सडनली uh, uh, बंद हो जाता है अगर आपने सेव नहीं किया है तो जो भी आपने टाइप किया है वो डिलीट हो जाता है तो सेव एज एक ही बार करना है और सेव जो है आपको बार बार करते रहना है तो यहाँ पे जिस तरह से दिया है कि हम कंट्रोल uh, एस करके ये जो शॉर्टकट की है यूज कर सकते हैं या सेव uh, बटन पे जाके मेन्यू बार में हम लोग सेव कर सकते हैं स्टूडेंट्स रिमेम्बर सेव एज ओनली वन टाइम करना है देन सेव जो है आपको बार बार करना है नेक्स्ट है कि जब आप सेव एज करते हो सो so ये अगर एक ही डॉक्यूमेंट uh, पे काम कर रहे हो तो उसको एक बार नाम दे के सेव सेव कर सकते हैं लेकिन आप न्यू कुछ डॉक्यूमेंट uh, क्रिएट uh, कर रहे हो और लिख रहे हो तो उसके लिए फिर से आपको सेव एस करना है और मतलब एवरी टाइम व्हेन यू आर क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट तो यू हैव टू फर्स्ट गिव नेम देन सेव एस एंड अगेन अगेन सेव ओके नेक्स्ट पॉइंट वर्किंग ऑन

it format and tags or from other user to get access to it so protecting a document from accessing so you want to protect a document from other user accessing to it give a pass password to your file follow the step given बिलो सो so, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और चाहते कि कोई और नहीं देखना देखे वो फाइल फोल्डर को तो उसे आप पासवर्ड दे सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो स्टेप है वो फॉलो करना है वेन द फाइल इज ओपन सेलेक्ट ऑफिस बटन सेव एज कमांड ऑन द मेन्यू बार द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर मूव द कर्सर ऑन द टूल्स टैब ऑन द ड्राउंड लेफ्ट साइड ऑफ सेफ्ट सेव एज डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक द सब मेन्यू विल अपियर तो वहां पे सब मेन्यू आ जाएगा क्लिक ऑन जनरल ऑप्शन द सेव डायलॉग बॉक्स ओपन यू विल सी टू बॉक्स पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई तो ये दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हो टाइप अ पासवर्ड इन पासवर्ड टू ओपन बॉक्स अ पासवर्ड कैन इंक्लूड अपू फिफ्टीन

the confirm password dialog box appear see save dialog box and confirm password dialog box in figure 3.14 uh, retype the password you, you type earlier click ok and confirm password dialog box and then click ok on save dialog box uh, and then click ok on save as dialog box ओके okay, स्टूडेंट्स तो किस तरह से आपको प्रोटेक्ट करना है यहाँ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है सेम थिंग अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है सो so आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखना है ओके लास्ट ऑप्शन स्टेप्स है व्हेन यू ओपन द फाइल अगेन नेक्स्ट टाइम इट विल बी आस्क यू टू टाइप द पासवर्ड तो रिमेम्बर यू विल नॉट बी एबल टू ओपन दैट फाइल विदाउट द पासवर्ड Also, don't forget that the password are case sensitive. That is, XYZ and XYZ are two different passwords. So, always your password to Protect protecting a document from accessing read only. With these features, you can have double protection to your document. Sometime, you yourself. में एक्सीडेंटली चेंज द फॉर्मेट ऑफ योर डॉक्यूमेंट यू कैन प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बिंग एक्सीडेंटली चेंज इट एज वेल एज फ्रॉम अदर यूजर एक्सेसरिंग इट तो प्रोटेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट एज रीड ओनली डॉक्यूमेंट सो आप चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट ओनली रीड ओनली होना चाहिए कोई चेंज नहीं करे सो यू वॉन्ट टू document to protect only only for accidental changes in the format follow the steps given below so when the file is open select office button save as command on the menu bar the save as uh, dialog box appear move the cursor on the tools tab on the drawn left side to of save as dialog box and click the sub menu will be appeared click on general option the save dialog box open you will see read only uh, recommended checkbox at the left side button of the save dialog box then last check mark the read only recommended checkbox click ok on save dialog box and then click ok on save as dialog box Next time when you open the document after giving password, it will be promote, prompt you with a message open as read only. If you accidentally make changes and then try to save the document, the file will not be saved. Instead, you will be prompted by a message. This file is read only.

और हम जब उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पे रीड ओनली क्लिक कर आता है और अगर हमें वो हटाना है तो वापस हमें वही ऑप्शंस में जाके वो चेक बॉक्स पे क्लिक करके उसे रिमूव करना है मॉडिफाइंग अ पासवर्ड गिविंग टू प्रोटेक्ट अ डॉक्यूमेंट तो इफ यू सस्पेक्ट दैट समर पासवर्ड एंड यू वॉन्ट टू चेंज इट तो मॉडिफाई बाय टाइपिंग प्रेजेंट पासवर्ड इन पासवर्ड टू ओपन बॉक्स एंड न्यू पासवर्ड इन पासवर्ड टू मॉडिफाई बॉक्स इन द सेम डायलॉग्स बॉक्स सो अगर किसी ने आपका पासवर्ड किसी को पता चल गया है और आप चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से प्रोटेक्ट का डॉक्यूमेंट फॉर ट्रैक चेंज एंड एंड कमांड फॉर्मेट, सो आप चेंज भी कर सकते हैं वहां पर जाके पासवर्ड टू मॉडिफाई में ऑप्शन चेंज कर सकते हैं जिस तरह आपने पासवर्ड uh, बनाया था वहां पे ही पासवर्ड टू मॉडिफाई का ऑप्शन है उससे आप चेंज कर सकते हैं ओके देन नेक्स्ट है प्रोटेक्ट अ डॉक्यूमेंट फॉर ट्रैक चेंज कमांड एंड फॉर Forms. so sometimes you may feel that your document should be uh, reviewed by other to improve the documents contains the reviewer of your document can suggest some changes or commands without modifying the original document. So after the review if you wish that the change were necessary you can incorporate them. To so track changes selecting this option, from the review tab and tracking some tasks let other user to change the document but highlights all changes so that you can track changes while a document is protected for track changes you cannot turn off change tracking nor can you accept or reject track changes okay student and find documents सो so, uh, जो ये नया टॉपिक है न्यू टॉपिक इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी फाइव न्यू डॉक्यूमेंट्स ओके स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में लिखना है स्टडी करना है और डेली प्रैक्टिस uh, करना है स्पेशली टाइपिंग का प्रैक्टिस करना है और जो भी ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शंस को यूज करना है थैंक यू